वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन स्क्वायर। वी आर इन द सेकंड पार्ट ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो फर्स्ट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। सो एक्सरसाइज 2A हम स्टार्ट करते हैं। 2A तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन फैक्टर मल्टीपल एंड गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। 5 एग्जाम्पल्स हम लोगों को देने हैं, तो बेसिकली हम डेफिनेशन वही लिखेंगे जो बुक में है। आप जो चाहो लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बुक के अकॉर्डिंग वही मैं लिखवा रहा हूँ। अ फैक्टर इन एग्जैक्ट डिविजन ऑफ दैट नंबर। जैसे कि मैंने कल बताया था, अगर दो नंबर है एक दूसरे डिवाइड हो जाते हैं, इनके रिमाइंडर जीरो आता है तो वो फैक्टर है। तो हम बेसिकली ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 8 की फैक्टर क्या बनेगा हमारे पास, 8 1 8 2 4 8 और कुछ है 8 का नहीं। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8 इक्वल टू 1 2 4 8। सिमिलरली आप हमें 5 एग्जांपल देना है, तो 8 को 10 ले लिया, 10 1 10 2 5 10 और नहीं मिल रहे तो टोटल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, फैक्टर्स ऑफ 10 मैं लिखूंगा 1 2 5 एंड 10। सिमिलरली मैं 12 का आता हूँ। यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारा मल्टीपल था, तो डेफिनेशन लिखेंगे आप, नंबर इज सेट टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी एक्स फैक्टर। सी इसके करने के दो वे हैं, आपके टीचर जो बोलेंगे आप उसे प्रेफर करना, पर मैं आपको दोनों वे समझा देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 वे देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको ये 12 का, देखो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 6 3 4। तो हम लोग नीचे लिखते थे फैक्टर्स में कि फैक्टर्स तो 12 आ रही है, तो हम इसमें उल्टा कर देंगे, तो हम लिखेंगे मल्टीपल, सॉरी ऐसे लिख लो आप लोग, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। ये जो हमने करा था थोड़ा सा लाइन लास्ट की चेंज कर देनी और कुछ नहीं। दूसरा वे जो आप कर सकते हो कि सिंपल 2 लिख के आप प्लस लिख सकते हो, 2 1 2 2 2 3 इस टाइप से डैश 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 भी लिख सकते हो कि ये इसके मल्टीपल्स है। जैसे कि 4 की बात करते हैं हम लोग, 4 1 4 2 4 3 एंड सो ऑन आप लोग लिख सकते हो। ये दो वे हैं, आपको जो पसंद है आप इसे प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स। वही जो हम पहले क्वेश्चन में करा था वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में करा था, पर ये एक ही पार्ट में करेंगे हम। 20 है तो आप लोग लिख सकते हो, 20 1 20 होता है, 2 2 10 होता है और 4 5 होता है, और कुछ है नहीं। तो सिंपल हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20 क्या हो जाएंगे, 1 2 4 5 10 एंड 20। सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट का हमारा क्वेश्चन है 36। देखो बेसिकली 36 का सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 36। नंबर 2 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 18 और 36 6 6। और आपको कुछ दिख रहा है बता सकते हो, 9 4, ठीक है। और अगर हो तो आप, वैसे होगा नहीं, इसमें लिख सकते सिंपल फैक्टर्स ऑफ 36 1 2 6 9 4 18 एंड 36। थर्ड पार्ट इज 60 के फैक्टर्स आप बना सकते हैं, 1 60 2 30 4 15 6 10 और 12 5, ठीक है। तो फिर आप लिख सकते हो इसमें फैक्टर्स ऑफ 60 इक्वल टू 1 2 4 6 12 5 10 15 30 एंड 60 75 का बन सकते हो, 1 75 5 15, और अब तक कौन सा हो सकता है, 3 25। तो आप सिंपल लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 75 1 3 5 25 15 एंड 75। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एजुकेशन स्क्वायर। फ्रेंड्स मैं आपको चेतन चाहता हूँ कि जो हमारे 6th क्लास की सीरीज है इसकी वीडियोस हर वेडनेसडे को आएंगी। सो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर
और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको और कौन कौन सी वीडियोस किस चैप्टर की चाहिए, ताकि हम इस पर और वर्क कर सके और आपको और अच्छी वीडियो ला सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच। देखो मल्टीपल्स की मैंने बताया था क्या होता है, यू हैव टू जस्ट राइट टेबल। अगर आपको 17 का टेबल आता है तो विल आई डायरेक्ट, मतलब पहला मल्टीपल 17 बनता विल बी 7। अगर आपको नहीं आता तो बेसिकली 17 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 टू द 14, 1 अप 34, नेक्स्ट मल्टीपल भी 34, अगेन 3 से करिए क्योंकि हमें 5 तक जाना है, 3 7 से 21, 2 अप 51, नेक्स्ट मल्टीपल विल बी 51, अगेन 17 4 से हम करेंगे, 17 4 से करेंगे 28, 2 अप 6, इट विल बी 68, 1 2 3 4 5 तक, 17 5 जा 35, it will be 85. So first 5 multiples of 17 are 17, 34, 51, 68, 85. Basically आप लोगों को table read करना है, यहाँ अगर table नहीं आता आप multiply कर सकते हैं, मैंने hint आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। तो बेसिकली हम मल्टीपल 23 क्या करेंगे, पहले 23 हो जाएगा, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 46, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 92, अगेन 5 से करेंगे 115, मतलब 50। थर्ड पार्ट हमारे पास जो है 65, मैं पहले बता चुका हूँ पहला मल्टीपल सेम रहेगा, फिर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैंने फर्स्ट में सिखाया था, अगर आपको टेबल डायरेक्ट नहीं आता तो 130, नेक्स्ट विल बी 195, नेक्स्ट विल बी 260, लास्ट विल बी 325। फोर्थ पार्ट पे हम आते हैं, इट इज 70, तो बेसिक 7 का टेबल ही देखेंगे, 140 जीरो से लगा देना है, 210, अगेन आप क्या देख सकते हैं 280, 280 के बाद ही आएगा 350। सो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड ऑड। बेसिकली आपको वंस प्लेस चेक करना है, अगर वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आपको दिख जाता है तो इवन नंबर है, नहीं तो इट इज ऑड नंबर। यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे क्या दिख रहा है, 2, एंड इट विल बी इवन। सेकेंड पार्ट हमारे पास 37 है, वंस प्लेस पे क्या दिख रहा है, 7, इट विल बी ऑड। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है 50, वंस प्लेस पे 0 है, इट विल बी इवन। फोर्थ 58, वंस प्लेस पे 8 है, अगेन इट विल बी इवन। फिफ्थ पार्ट देखिए, इट 69, वंस प्लेस पे 9 है, ऑड। सिक्स्थ क्वेश्चन इज 144, वंस प्लेस पे 4th है, इट विल 4 है, इट विल बी इवन। सेवंथ क्वेश्चन 321, वंस प्लेस पे 1 है, इट विल बी ऑड। एंड एट्थ क्वेश्चन 253, वंस प्लेस पे 3 है, इट विल बी ऑड। सो क्वेश्चन 5 इज व्हाट आर प्राइम नंबर्स, गिव 10 एग्जांपल। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड सेल्फ। मैंने बताया था प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो खुद और एक 1, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31 and so on. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 40। सो देखो अगर आप लोगों को एक लर्निंग पावर तेज है तो आप लोग डायरेक्ट लर्न करके लिख सकते हो, पर आपको नहीं लर्न होता तो आप इससे थोड़ा लॉन्ग वे जरूर पड़ेगा, पर ये चेक कर सकते हो। आप लोग सिंपल क्या कर सकते हो, पहले काउंटिंग लिखोगे बिटवीन बोला है तो फिर 11 सेट, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 पहले 25 तक करते। देखो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, आपको पता है फर्स्ट कुछ प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 ये स्टार्टिंग के प्राइम नंबर्स हैं, आप सबसे पहले इनसे ही चेक करोगे, अगर इनके टेबल में कोई नंबर आ जाता है तो आप क्रॉस कर दोगे, नहीं आता तो विल राइट टिक।
सपोज करो 11, ठीक है, ना ही ये 2 के टेबल में आ रहा है, ना ही 3 के टेबल में आ रहा है, ना ही 5 के में, ना ही 7 के में। या फिर हम ये कह सकते हैं डिजिबिलिटी रूल, जो आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, नहीं आ रहा तो इट इज अ प्राइम नंबर। 12 देख रहे हो आप, दिख रहा है कि वन्स प्ले। पहली बात तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इवन नंबर सिर्फ एक 2 ही होता है जो प्राइम नंबर है, तो इवन जो भी है पहले काट दो, ये लिखो ही मत, जो इवन नंबर है वो लिखो ही मत, क्योंकि इवन नंबर 2 के टेबल में आते हैं और जो आएंगे तो फिर वो हमारे प्राइम नंबर नहीं होंगे। नेक्स्ट 13 चेक कर, नहीं आ रहा, 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 5 के में भी नहीं आ रहा, 7 के में भी नहीं आ रहा, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। अगेन 15 देखेंगे, 15 3 के टेबल में आ रहा है, क्योंकि देखो 1 प्लस 5 6 है और 6 आता है तो ये कट जाएगा। 17 आप देख सकते हैं, ना ही 2 के में है, ना ही 3 के में है, ना ही 5 के में, ना ही 7 के में। सिमिलरली 19 भी चेक कर सकते हो, 21 आप देख रहे हो ये 3 के टेबल में आ जाए तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 23 ये भी किसी के टेबल में नहीं आ रहा तो ये भी स्टैक से कर सकते हैं। 25 अगेन 5 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप 40 तक जा सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, इवन नंबर प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही होता है, बाकी कोई नहीं होगा। आप सिर्फ और नंबर सीखेंगे, और नंबर्स में आप चेक करेंगे पहले 2 से, 3 से, 5 से, 7 से। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, सो अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं। मैंने मेथड को समझा दिया, इट विल बी 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड 37। सेकेंड पार्ट है हमारा, इट इज बिटवीन 80 एंड 100, 80 से 100 के बीच में। सेम मेथड करेंगे आप लोग, इवन नंबर्स नहीं लिखेंगे, और नंबर्स लिखेंगे और 2, 3, 5, 7 से चेक करेंगे, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था। आई एम राइटिंग डायरेक्ट आंसर। 83, 89 एंड 97, 40 एंड 60, 40 से 60 के बीच में लिखना है। सो योर आंसर विल बी 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 एंड 79। आप देख सकते हो इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं है। 4, इट्स बिटवीन 30 एंड 40, सो योर आंसर विल बी 31 एंड 37। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब कहां से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर? 2 से, इट विल बी 2। लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स। देखो इसमें इवन प्राइम नंबर की बात हो रही है, इवन मैंने बताया सिर्फ एक ही नंबर होता है वो 2 है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम है और इवन भी है। अगेन राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 तो ऑड ही है, इट विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। देखो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट गिवन है 87, इसके करने के दो वे हैं, मैं आपको दो बता रहा हूँ। पहला वे आप ये कर सकते हो कि इसके फैक्टर्स बना सकते हो, ठीक है, और दूसरा वे ये आप सिंपल शॉर्टकट कर सकते हो 2, 3, 5 एंड 7। देखो आपको दिख रहा है 2 से जो भी होगा इवन होता है ऑटोमेटिकली प्राइम नंबर होगा नहीं, ठीक है। फिर 3 का रूल क्या होता है, इन दोनों को प्लस करते हैं, 8 + 7 कितना हो गया 15, और 15 3 के टेबल में आता है, तो मतलब कि अगर ये प्राइम नंबर होगा तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 87, पर यहाँ पे 3 भी बन जा रहा है, सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। सेकेंड पार्ट हम देखते हैं, हमारे पास जो सेकेंड पार्ट आ रहा है वो 89 है। सो 89 में अब देखो 89 व्हाट यू विल गेट 17। अब 17 आपको दिख रहा है 3 के टेबल में तो आ ही नहीं रहा, ना ही 5 के में आ रहा है, 8, 9 कुछ भी, और ना ही, तो इट इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर बन रहे हैं 1 एंड 18, इट इज अ प्राइम नंबर। पार्ट इज 63। तो 63 में आप वही चीज बताया था पहले, 2, 3, 5, 7, ये बेसिक है आपको प्राइम नंबर में चेक करने के लिए। इन दोनों को ऐड करूंगा क्या मिल रहा है मुझे 639, और 9 मुझे पता है 3 के टेबल में आ रहा है, तो अगेन इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। देखो फैक्टर बनाओगे तो भी यही निकलेंगे इसमें,
क्योंकि सिलेक्टर 1 आ गया, 63 आ गया और यहाँ पे 3 भी मुझे मिल चुका है, ठीक है। और भी यहाँ पर मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो समझो ये प्राइम नंबर है ही नहीं। आप देखो बस 2 ही होने चाहिए इसके। अगला आता है 91। आप देख सकते हो प्लस करके 10 आ रहा है, 3 के टेबल में तो नहीं आ रहा, ना ही 2 के में आ रहा। पर आप एक चीज चेक कर सकते हो, ये 13 के टेबल में आ रहा है, ये 13 के में आ रहा है, तो अगेन इट इज नॉट, इसके फैक्टर बन गए 1, 91 और 13, तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में इतना ही, बाकी के पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें और जितना हो सके इसको शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6th क्लास की वीडियोस हमारी हर वेनसडे को चैनल पे आएंगी, हर वेनसडे, तो प्लीज डू लाइक इट।